साजिदा जी आई। क्या हुआ? कुछ नहीं बेगम, वही हुआ जिसका खदशा था। क्या? गाजीपुर वाली जमीन का केस हम हार गए। तो अब क्या होगा? होगा क्या, गांव की जमीन अपने हाथ से गई बस। या खुदा, तो क्या खेत उस मुए के हो गए? जाहिर सी बात है बेटा। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। फैसला और हाई कोर्ट में जाने की अपनी हैसियत नहीं है। अब क्या है? वो कंप्यूटर कोर्स के लिए पैसे। कितने पैसे? बताया तो था आपको। अरे दोबारा बता दोगे तो क्या जुबान घिस जाएगी? 25,000। 25,000? 25,000 कहां से लाऊं? चलो 25,000 रुपए का इंतजाम कर भी दिया। इंटर में तो फेल हो गए, अब इस बात की क्या गारंटी कि यहां नहीं डुबोएंगे? तो ठीक है, मैं मना कर देता हूं। कुछ इंतजाम कर दो ना, नहीं तो ये करेगा क्या? अल्लाह ही बेहतर जाने। मैं तो इससे सारी उम्मीदें छोड़ चुका हूं। मैं तो कहती हूँ इसे कानपुर भेज दो अपनी पुप्पी के पास। हाँ हाँ, ताकि वहां जाकर वो उन पर बोझ बन जाए। अरे अरे, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? खालू दिल्ली से आ गए हैं, मैंने उनकी गाड़ी आते हुए देखी दूर से। अरे सारे के सारे हवा पर सवार है। ये लुगना कहाँ है? अपने कमरे में। और कहाँ? क्या हो रहा है जी अबू? पढ़ाई हो रही है अब वो भी टीवी चला कर। या पढ़ लो या टीवी देख लो। अरे कोई तो इस घर में पढ़े। अरे हाँ, वो एग्जाम्स के फॉर्म भरने की डेट कब है अबू? कल है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। लगते हैं खाना अम्मी आ गई। बाजी, ये आप लोगों के लिए दिल्ली की खास मिठाई है। अरे खुद जाकर चांदनी चौक से लेके आई मैं। इतनी सारी इसकी क्या जरूरत है? इतनी कहाँ है बाजी, इतनी सी तो है। उसके पास बड़े बड़े डिब्बे नहीं थे वरना हम इतनी सारी लेके आते। बाजी लेकिन ये लुबना बिटिया कहाँ है? सलाम अलैकुम खालू अबू। वालेकुम अस्सलाम बिटिया। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह हमारी बिटिया तो बहुत बड़ी हो गई। सलाम अलैकुम खालू अबू। मेरे पास ऊपर बैठ। ऊपर बैठ, नजर ना लगे मेरे लब्बों को।
ओहो, तो आ गई नजरबाज जी, तो मिलाइए नजर। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जाकिर भाई? बस अल्लाह का शुक्र है। तशरीफ रखिए। आप रखिए, मैं रखिए। ओहो, इतनी सारी मिठाई, लेकिन मेरा सोहन हलवा कहाँ है? ये रहा आपका सोहन हलवा। साली हो तो तुम्हारे जैसी, लाइए दीजिए। ये आपके लिए नहीं है। हर बीबी हो तो इनके जैसी। हाँ हाँ, तो क्या मैं आपको ये जहर खाने दूँ? अरे, तो क्या हमारी साली हमारे लिए जहर लेकर आई है? अरे बाजी, दे दो ना, खाने दो ना। दे दूँ? जैसे तुम जानती नहीं, तुम खुद ही तो इन्हें लेके गई थी ना डॉक्टर के पास। क्या ताकीद की थी डॉक्टर ने? हाँ, ताकीद तो की थी लियाकत भाई। अरे हमेशा के लिए ताकीद थोड़ी ना कर रखी है। अरे ये तो तोहफा है, क्यों ना? आपकी जरा भी नहीं चलेगी अभी। अरे ठीक है भाई, लेकिन बच्चों को तो खाने दो। हाँ, ताकि आप उनसे लेकर खा जाए। हुँ? अच्छा ठीक है भाई, नहीं खाता। आप तो नाराज हो गए लियाकत भाई, छोड़िए, जाने दीजिए। लियाकत भाई, आपके लिए एक ऐसी खबर लाए हैं कि आप खुशी से उछल पड़ेंगे। कैसी खबर? बताते हैं बताते हैं। अरे हौसला रखिए लुबना बिटिया, कि आज हमें चाय नहीं पिलाओगे? अभी लाई खालू अम्मी। खाला अम्मी, हमारे लिए क्या लाई? तुम्हारे लिए वो इतनी बढ़िया चीज लेके आई है ना कि तुम खुशी से पागल हो जाओगी, समझे? हो क्या? अरे बता देंगे, तुम्हारी चाय लेके आ जाओ, जल्दी जाओ, शाबाश। अच्छा ये मिठाई भी अंदर लेके जाओ। क्या अच्छी खबर लाई है? अरे लुबना के लिए रिश्ता लेके आई हूँ। बहुत अच्छा रिश्ता है ये, लेकिन अभी लुबना की उम्र तो... अरे हो गई हो गई, शादी की उम्र हो गई है। अरे हमारी भी तो शादी इसी उम्र में हुई थी। तुम्हारी शादी अगर जल्दी नहीं होती तो तुम घर में सबको परेशान कर देती। अच्छा जी। जाकिर भाई, आपको तो पता ही है कि लुबना के एग्जाम सर पर है। अरे तो अभी कौन सी शादी हुई जा रही है? लियाकत भाई, पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर फैसला कीजिए। ठीक है। लियाकत भाई हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, वो गजनफर भाई, उनका बेटा है शाहनवाज, अच्छा खानदान है, खाते पीते लोग हैं, और वो दूर के हमारे रिश्तेदार भी हैं। अरे बाजी, लड़का लाखों में एक है, तकरीबन 10 साल से तो मैं ही जानती हूँ। अच्छा। लड़के की शराफत का तो ये आलम है कि गली से नजरें झुकाकर गुजर जाए तो हाय हाय हाय, दिल से भी साता निकल जाता है। माशाल्लाह, क्या लड़का है। अगर मेरी परवीन इस काबिल होती ना तो मैं तो उसका ही रिश्ता तय कराती। लड़का करता क्या है? अरे प्रोफेसर है। प्रोफेसर? उसकी उम्र क्या होगी? 30-35। इतना लगता नहीं है लियाकत भाई, क्यों? हाँ, वो चेहरे से इतना मासूम लगता है कि उम्र का पता ही नहीं चलता। चेहरे से शराफत तो ऐसी टपकती है जैसे फरिश्ता हो फरिश्ता। जो भी हो, उम्र का फर्क बहुत बड़ा है, क्यों जाते हो? हाँ, फर्क तो है थोड़ा सा। कहाँ हमारी लुबना 18-19 साल की, और कहाँ वो लड़का 30-35 साल का। अरे उनका फर्क कहाँ नहीं होता है लियाकत भाई। एक बात बोलूँ, बुरा ना माने, आप में और बाजी में उनका फर्क है ना? हाँ वो तो है, लेकिन हाँ अपने खानदान में तो हाँ, बस जोड़ी सलामत रहनी चाहिए, दोनों में प्यार और समझदारी बनी रहनी चाहिए, और क्या चाहिए हमें। ये लीजिए खाला अम्मी, गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, इतनी जल्दी चाय बना लाई, माशाल्लाह। जिस घर में जाएगी चाय से ही दिल जीत लेगी। खाला अम्मी अभी ना। अरे वाह, शर्म तो देखो। सच बाजी, अपनी लुबना की तो किस्मत ही खुल जाएगी। पर अभी इस बारे में हमने अभी सोचा नहीं है। लियाकत भाई, अगर सोचा नहीं है तो सोचना शुरू कर दीजिए, अल्लाह की तरफ से ये रिश्ता खुद चलकर आपकी चौखट तक आ रहा है जी। लुबना को देखने वो लोग कल आ रहे हैं। तुमने हमें पहले खबर तो कर देनी चाहिए थी। और ये सब अचानक, एक बार आपको हमसे सलाह मशवरा करना तो चाहिए था।
अरे हम क्या कोई गैर हैं? लुबना जैसे आपकी बच्ची है वैसे मेरी भी तो बच्ची है, फिर मैं उसके बारे में क्यों ना सोचूं? वैसे भी वो लोग लुबना की खूबसूरती की तारीफ सुनकर इतने बेकरार हो गए, कहने लगे मैं साथ में चलती हूँ। मैंने कहा कि पहले मैं बात कर लेती हूँ, इंशाल्लाह कल सुबह तक वो लोग आ जाएंगे। कितने लोग होंगे वो लोग? लड़के की अम्मी, मामू मामानी, चचा चची, 2000 यार दोस्त होंगे, यही 6-7 आदमी होंगे बस। अच्छा अच्छा, ये लड़का घर में सबसे बड़ा है ना? जी भाई साहब। ये लीजिए अम्मी, नौश फरमाइए। नहीं नहीं भाभी, मेरे लिए खाना मत लाइएगा। तुम्हारा और हाजमा खराब हो गया? कैसे? तू ही मेरी शब है, सुबह है। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आपको तो खुश होना चाहिए था। क्यों? सुना है तुम्हें दिल्ली से देखने आ रहे हैं। तो तू गई और तेरी शादी पक्की। क्यों क्यों? अरे क्योंकि खाला बता रही थी कि लड़के की अम्मी खाला से तेरी तारीफ सुन के तुझ पे लट्टू हुई है। ये खाला अम्मी भी ना दुश्मन है हमारी। काहे की दुश्मन? शादी ही तो करा रही है तेरी, तो अपनी बेटी की कराए ना। ओफो, वो तो छोटी है ना। कहाँ छोटी है, हमसे सिर्फ 7 साल ही तो छोटी है। लुबना ये तो सोच, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहेगी जाके, और होने वाले दूल्हे मियां प्रोफेसर है। प्रोफेसर? फिर तो बहुत बड़ी उम्र होगी। हाँ, आंखों पे मोटा मोटा चश्मा, सर के सारे बाल गायब, और दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ी हुई। पता लुबना, किताबों में घुस कर यूं पुकारेंगे तुझे, अरे लुबना। कहा हो जरा चाय तो लाना। लुबना बेगम, अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक चाय बनाकर लाओ ना। लुबना क्या हुआ बेटे, कोई बुरा ख्वाब देखा? अम्मी हम शादी नहीं करेंगे। अरे कौन करा रहा है तेरी शादी? और वो लोग जो आ रहे हैं। अरे वो आ रहे हैं, तुम्हें देखकर चले जाएंगे। अम्मी आप हमें बहला रही है ना, उन्हें मना क्यों नहीं कर देती? अरे तेरी खाला ने बुलाया ना उन्हें, आने दो उन्हें। तो अपनी परवीन को क्यों नहीं दिखा देती, हमारे पीछे क्यों पड़ी है? क्या परवीन? अल्लाह वो तो छोटी है तू बिना। अरे इन दोनों को कहाँ भेज दिया? वो बाजार गए हैं सामान लाने के लिए। इसी वक्त तुम्हें भेजना था तो क्या मेहमानों के सामने खाना बनाओगी? खाना मुझे बनाना है ना, सब हो जाएगा, मैं बना लूंगी। और ये तुम क्या कह रही थी कि वो चीख चीख के कुछ कह रही थी? हाँ वो कह रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, बस। क्या करूँ क्या करूँ, ये ऐसे मानने वाली नहीं है, बस किसी भी तरह एक बार वो लोग इसे देख ले, अभी मैं सब ठीक कर दूंगी।
अरे बेटा अभी कौन सी तेरी शादी हुई जा रही है? तो फिर क्यों आ रहे हैं वो लोग? बस देखने तो आ रहे हैं ना। बस देखने? मैं तेरी कोई दुश्मन हूँ क्या? दुश्मन ही तो हो। अरे लुबना बेटा, मैं जो भी कर रही हूँ ना तेरे भले के लिए तो कर रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसी भलाई। देख बेटा चाके जल्दी तैयार हो जा। देख मेहमान किसी भी वक्त आ सकते। जा। मुझे नहीं तैयार होना है, बस नहीं होना। लुबना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। देखो बेटा अब तुम ही लोग इसे समझाओ, ये तैयारी नहीं हो रही है। खाला जान आप जाइए, हम इसे तैयार समझा लेंगे। ठीक है बेटा। भाई बताइए, बन्नो की शादी हो रही है, बन्नो तैयार नहीं हो रही। भाई अगर हमारी शादी हो रही होती ना, हम तो प्रीति जिंटा की तरह तैयार होकर बैठे होते। वो गुस्से में बैठी है, कहती है शादी नहीं करूंगी। दिमाग खराब हो गया उसका। ठीक ही तो कह रही है वो। आपसे सलाह मशवरा किसने मांगा? क्यों, मुझे बोलने का कोई हक नहीं? मैं लुबना का बड़ा भाई नहीं। अभी उसका बाप जिंदा है, समझे? और औलाद की जिंदगी का फैसला उसके वालिदैन करते हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं बोलता हूं मैं। अब तुम कहां जा रहे हो? यहां मेरी क्या जरूरत है? सना, मेरा मूड बहुत खराब है। अब दिमाग मत खराब करो, जाओ जाके ऊपर तैयार हो, मेहमानों के आने का वक्त हो गया है।